छठे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में सुमन गुप्ता को प्रथम स्थान मिला है, साथ ही उनके पति गौतम कुमार को भी सफलता प्राप्त हुई है और उन्हें 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज। सर, राज्य के टॉपर होने के नाते बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है और इसके लिए केवल हम ही एकमात्र जिम्मेदार नहीं है, इसमें हमें बहुत लोगों का सहयोग हुआ है, प्राप्त हुआ है, जिसमें से माता पिता, ईश्वर, शिक्षकगण, मेंटर्स और हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, इन सब का सराहनीय योगदान रहा है। सर, 5 साल का लंबा प्रतीक्षा के बाद यह फल प्राप्त हुआ है, क्या लगता है आपको, कैसे बिताया दिन? 5 साल का लंबा समय तो दुर्भाग्यपूर्ण गया है सर, परंतु इन 5 सालों में हमने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत धैर्य के साथ मेंस का निरंतर तैयारी हमने प्रैक्टिस करते रहा, उस बढ़े हुए समय को हमने सदुपयोग की तरह लिया और उसे इतना प्रैक्टिस में बदला कि हमारा मेंस हमारे मुताबिक गया और जिसका रिजल्ट परिणाम आज आप फर्स्ट रैंक के रूप में देख सकते हैं। आपने तैयारी कैसे की? तैयारी के लिए सर, हमने कुछ मटेरियल्स, एक आध कोचिंग का के नोट्स का सहारा लिया, कुछ एक मानक बुक का सहारा लिया, सभी के निचोड़ के रूप में हमने अपना खुद का एक नोट्स बनाया, अपने सौभाग्य से हमारे पति जिनका सिलेक्शन उनका भी प्रशासनिक पद में हुआ है, हम दोनों ने मिलकर साथ में एक अपना नोट्स बनाया है गुणवत्तापूर्ण, और उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में फिर से तैयार करके उसे इतना प्रैक्टिस किया है ताकि सीमित सीमा में, दिए हुए शब्द सीमा में हम उसे अच्छे से परोस सके हमारे एग्जाम में, और वैसा ही हम कर पाने में सक्षम हुए हैं और जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। आपके साथ आपके पति भी सफल हुए हैं? बिल्कुल सर। आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, अकेले सफल होने में तो वो आधा खुशी भी नहीं होता, वो तो खुशी ना खुशी जैसा होता, लेकिन ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि दोनों ने जो मनचाहा पद हमने चाहा था, प्रशासनिक पद, वो हमें मिला है सभी के आशीर्वाद से और ईश्वर के असीम अनुकंपा से। संदेश, हमारे पास शब्द नहीं है उसके लिए। संदेश सर, हमारे आने वाले जो भी कैंडिडेट्स अगला JPSC देना चाहेंगे, उनके लिए यही संदेश है कि वे अगर सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं तो पहला तो उन्हें एक ऑप्शन के रूप में एक नौकरी रखना चाहिए ताकि उन्हें कभी लड़खड़ाता हुआ फील ना हो, क्योंकि ये सर 3 स्टेज की एग्जाम्स होती हैं और इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, और साथ में अगर ये इससे निकालना है तो PT में अच्छा कमांड रखना होगा, मेंस में लिखित प्रैक्टिस करते हुए सर इसे बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और इंटरव्यू के लिए भी वैसा ही ढलना होगा, तब वे श्योर सफल हो सकते। सर्वप्रथम दैनिक जागरण टीम को मेरी और सुमन की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद कि आपने इस पल को यादगार बनाने के लिए एक मौका दिया। निस्संदेह JPSC परीक्षा, खास करके 6ठी JPSC परीक्षा की अवधि काफ़ी लंबी रही, लेकिन इस लंबी पूर्ण अवधि को मैंने सदुपयोग किया और हर वो संभव प्रयास किया कि क्या कोई कमी अभी भी रह गई है। तो इस लंबी अवधि को मैंने कई खंडों में बांटकर काफ़ी गहराईपूर्वक अध्ययन किया, चाहे वो PT का स्तर हो, चाहे वो मेंस का स्तर हो, रीजनल पेपर का स्तर हो, सभी का बारीकी से नोट्स बनाया, फिर उसे शॉर्ट नोट्स बनाया, क्विक रिवीजन की प्रक्रिया अपनाई और लगातार गुरु IAS अकेडमी और मेरे सहोदर बड़े भाई जागो महतो, जो अभी वर्तमान में गढ़वा सदर के BTO हैं, के मार्गदर्शन में लेखन शैली की कला विकसित की, और निसंदेह हमारे द्वारा अपनाए गए सटीक मार्गदर्शन और सटीक उत्प्रेरक कार्यों ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया, और यह रिजल्ट वर्तमान परिस्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में जो एक निराशा बनी हुई थी, उस निराशा के बीच में एक आशा की किरण आई। हम सभी, पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज, मेरे सारे सहयोगी गुरुजन और मेरे चाहने वाले सभी काफ़ी खुश हैं। धन्यवाद।